चिकित्सा जगत के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए वो छात्र भी साथ में खड़े नजर आए जो प्रशिक्षु चिकित्सक मेडिकल कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आईएमए की स्टूडेंट विंग का यही प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जीवन हॉस्पिटल पर पहुंचा और यहां मेडिकल के इन छात्रों ने अपना सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। चिकित्सकों के साथ आए दिन होने वाली हिंसक घटनाओं के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने शुक्रवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की रणनीति अपनाई थी, जबकि विरोध प्रदर्शन की इसी रणनीति के तहत इमरजेंसी व ओपीडी सेवाओं को छोड़कर जगह जगह चिकित्सकों ने काले कपड़े पहनकर अपना विरोध प्रकट किया। इधर इसी श्रृंखला में अलीगढ़ के अंदर आईएमए की स्टूडेंट विंग ने भी भरपूर जोश और जज्बा दिखाया और ऐसी घटनाओं का फिरोजोर विरोध किया। आपको बता दें कि आईएमए की छात्र इकाई के ये पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जबकि छात्रों के इसी प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को बेलामार्ग विष्णुपुरी का रुख किया और यहां इन छात्रों ने जीवन हॉस्पिटल पर आईएमए के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर जयंत शर्मा और डॉक्टर दिव्या चौधरी के नेतृत्व में अपना अपना रोष प्रदर्शन किया। यहां प्रशिक्षु चिकित्सकों के साथ उपस्थित छात्र नेता ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में ही तीमारदार अपने मरीज को कभी कभी बिल्कुल अंतिम क्षणों में लेकर आते हैं और तब तक इनके बचने की गुंजाइश काफी कम होती है और यहाँ केस बिगड़ने पर डॉक्टर अथवा स्टाफ को दोष देते हैं, जो बिल्कुल गलत ही नहीं बल्कि ये दंडनीय भी है। उन्होंने कहा कि आईएमए की छात्र शक्ति इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए सोशल मीडिया पर संचार क्रांति को भी हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी, जबकि सरकार को भी ऐसे ज्वलंत विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। इधर आईएमए के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर जयंत शर्मा ने कहा कि यद्यपि समाज में लोग चिकित्सक को भगवान का दर्जा देते हैं, लेकिन इसे मानते नहीं हैं। इसलिए चिकित्सकों के साथ होने वाली हिंसक घटनाओं को लेकर जितना सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा नैतिक जिम्मेदारी समाज की है, जो सामाजिक लोग इस मुद्दे पर संवेदनशील बने। अन्यथा की स्थिति में अगर चिकित्सकों ने इलाज करने के हाथ खड़े कर दिए तो बड़े संकट की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। यहाँ उपस्थित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिव्या चौधरी ने आईएमए की छात्र इकाई का उत्साहवर्धन किया और कहा कि इस विषय पर जन जागरूकता बेहद जरूरी है, साथ ही सरकार को डॉक्टरों की वेदना को समझकर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए एक एक्ट बनाने की आवश्यकता है। बेबी सेंटर बेलामार्ग विष्णुपुरी से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि डॉक्टर्स के खिलाफ ये वायलेंस हिंसा बंद करिए, क्योंकि मैं आपको दो तीन छोटे छोटे एग्जाम्पल देती हूँ। किसी मरीज का बच्चा नली में फंस गया और नली फट गई, मरीज ब्लीड कर रही है, मरीज को रात के 2 बजे भी अगर घर वाले लेके आते हैं, मरीज कितनी अंदर ब्लीड कर रही हो, उसका बीपी कितना भी डाउन हो, हमारी पूरी कोशिश रहती है 2 चाहे 4 बोतल खून का इंतजाम करके उसको रात के 2-2.5 बजे भी ऑपरेट करें। ये इतनी बड़ी इमरजेंसीज होती हैं कि इसमें मरीज की जान जा सकती है। डॉक्टर अपनी कोशिश ही तो कर सकता है, कोशिश करने में 100 में से हम 98 को बचा लेते हैं, पर 1-2 मरीज जो अंदर ज़्यादा ब्लीड कर गया है, ज़्यादा शॉक में है, नहीं भी बच पाता, उसमें आप डॉक्टर को दोष दोगे? आप घर में कोशिश करते रहते हैं, बच्चा नीचे से फंसा के लाते हैं, माँ में खून कितना मिलता है, मैंने अस्पताल में 2-2 और 4-4 ग्राम पे मरीज आते देखे हैं। ऐसे में मरीज को बचा पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। बच गया तो ठीक, नहीं बचा तो क्या हमने मार दिया? आप 9 महीने क्या कर रहे थे जब आप मरीज को आयरन और कैल्शियम की गोली भी नहीं खिला सके? मरीज को हार्ट अटैक हुआ, आप रात के 3-4 बजे पहुँचते हैं और आप सोचते हैं कि डॉक्टर आके तुरंत देख ले। डॉक्टर आएगा भी, देखेगा भी, सब कुछ इलाज करेगा भी, लेकिन हार्ट अटैक का मरीज मर भी सकता है। आपका मरीज मर जाएगा तो आप अस्पताल तोड़ोगे? अरे ज़रा दिमाग में थोड़ा सोचो तो सही कि क्या कर रहे हो, होश में आओ, नहीं तो डॉक्टर इमरजेंसी में नहीं देखेंगे। अच्छा अच्छा मरीज आ रहा है, ज़रा सा बुखार है, ज़रा सा खांसी है, ठीक है ओपीडी में बैठ के हम भी देख लेंगे, पर जहाँ इमरजेंसी होगी, जहाँ एक्चुअली आपको जो डॉक्टर की ज़रूरत है, वहाँ डॉक्टर आपको देखेगा नहीं। तो इसलिए होश में आ जाइए, मुझे सबसे ये कहना है। मेरा नाम डॉक्टर लखन प्रकाश गुप्ता है और मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क, जो कि एक आईएमए की छात्र इकाई है, उसका उत्तर प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे आज जैसे कि बताया गया है कि आईएमए ने आज 18 जून को राष्ट्रीय नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में इसे स्वीकृत करा है। इसके तहत मैं यहाँ पर ये हम इकट्ठा हुए नॉन अगेंस्ट द वायलेंस ऑन डॉक्टर्स। यहाँ पे हम लोगों का ये कहना है कि हम सब डॉक्टर हैं, हम सब को मरीजों के साथ हमदर्दी है,
मरीज हमारे पास आते हैं इलाज करवाने और उल्टा हमारे हमें क्या मिलता है कि हमें वॉयलेंस मिलता है, हमारे साथ व्यवहार गलत होता है। मरीज के साथ जो तीमारदार आते हैं वो हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उसका भुगतना हमें पड़ता है। यहाँ पे हम सभी इकट्ठा हुए हैं जो कि हम काले कपड़ों में आज प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें रुके, सरकार हमारी बातें सुने। उसके लिए कुछ अधिनियम बनाए सरकार में, IPC सेक्शंस बनाए, क्रिमिनल प्रोसीजन कोड बनाए ताकि हम लोग के जो वॉयलेंस हो रहे हैं डॉक्टर्स पे वो रुके। अभी कुछ ही दिनों में, कुछ दिन पहले देखी गई थी आसाम में कुछ बहुत गलत तरह के व्यवहार हुए थे, डॉक्टरों को ड्यूटीज पे पीटा गया था, इसी तरह का कर्नाटक में भी मिले था हमें। तो हम यही इस तरह का जो भी हमारा पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा भारत में चल रहा है, हमारा जो भी प्रदर्शन चल रहा है, हम काले कपड़ों में प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारा बस यही है सरकार से कहना कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करें, ये इस तरह का वॉयलेंस ना हो। और ये हम पेशेंट से भी कहना चाहेंगे, आप लोग की तरह हम भी एक इंसान हैं और इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। कई जगह अक्सर देखा जाता है कि लोग भाग कहीं बाहर इलाज करके आते हैं, अपने खुद से घर पर इलाज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू करते हैं या कहीं बाबा उपचार करते हैं उनका, या फिर जो क्वैक होते हैं उनके थ्रू वो इलाज करवाते हैं। जब बिल्कुल अंतिम उनका स्टेज होती है उस पर फिर वो मेडिकल कॉलेज या फिर अस्पताल में आते हैं और वहाँ पर बिल्कुल एंड टाइम पर आते हैं और मरीज इतने तक आते आते वो कोलैप्स कर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, जिसके तहत क्या होता है कि वो फिर वॉयलेंस करते हैं कि डॉक्टर नहीं बचा पाए। तो अभी ये विरोध है हमारा, पहली बात तो कोई हड़ताल नहीं है, हम सारे मरीजों को देख रहे हैं और सारे मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं, पर मरीजों को उनके परिजनों को भी ये समझना चाहिए कि अगर कोई मरीज ऐसी स्टेज में आ रहा है जिसकी हॉस्पिटल में आके मृत्यु हो जाती है या किसी और कारण से उनको नहीं लगता कि उनका इलाज ठीक से हो रहा है, तो उनके पास शिकायत करने के बहुत सारे फोरम्स हैं। वो ऐसा ना करें कि सीधे डॉक्टरों के ऊपर हमला कर देते हैं जिसमें डॉक्टर्स की जान भी चली गई है। अगर डॉक्टर को ही मार दोगे तो इलाज कहाँ से कराओगे? लोगों के अंदर एक बड़ी ख़राब टेंडेंसी है, धीरे धीरे डेवलप करती जा रही है कि हॉस्पिटल के ऊपर हमला कर दो, वहाँ की संपत्ति को नुकसान पहुँचाओ, डॉक्टर्स को मारो पीटो। आने वाला समय धीरे धीरे करके ऐसा आ जाएगा कि डॉक्टर्स, अभी भी बहुत सारी जगहों पर सुनने को मिलता है कि डॉक्टर्स फिर मरीज को हाथ नहीं लगाते। डॉक्टरी का पेशा बहुत बहुत ही ज़्यादा शुद्ध पेशा है, इसमें डॉक्टर अपने मन से काम करता है मरीज के लिए, ये एक साइंस है। बेवकूफ़ लोगों को कहने में आसानी होती है कि साइंस नहीं है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर जो इलाज करता है मरीज का वो पूर्ण मन से पूरे हिसाब किताब से करता है, और उसमें अगर मरीज को कोई नुकसान भी होता है तो डॉक्टर का कोई इंटेंशन नहीं होता। अगर किसी ने किसी के पेट का ऑपरेशन किया और उसकी आंत लीक कर गई तो इसमें डॉक्टर की गलती या नेग्लिजेंस आप बोल सकते हो, लेकिन उसको मार पीट नहीं सकते और उसके लिए आगे इलाज भी मौजूद हैं। गलत है, आप डॉक्टर्स के साथ, सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ, आज हमारा ये एक विरोध दिवस है कि डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करना, मारपीट करना, उन पर अविश्वास करना, ये सब बंद कर दीजिए आने वाले समय में, नहीं तो इलाज मिलना मुश्किल होगा। अभी भी मैं बहुत से देशों में जानता हूँ जहाँ रात में डॉक्टर जाके पेशेंट्स को अटेंड नहीं करते हैं, पेशेंट बाहर से हॉस्पिटल्स के, बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर से ही रात रात भर पड़े रहते हैं या इमरजेंसी ER रूम में पड़े रहते हैं, इलाज नहीं हो पाता है। डॉक्टर्स को इस तरह की करके मानसिक रूप से और उस तरीके से आप इतना मजबूर मत करिए कि उनका मोरल डाउन हो जाए, मोरल तो बना के रखना ही पड़ेगा डॉक्टर्स का। और सबसे मेरा निवेदन है, पूरी सरकार से निवेदन है कि जो भी एक्ट्स या जो भी इसमें सुरक्षा के लिए डॉक्टर्स के लिए प्रबंध कर सकती हैं उसे करें। और मेरा सारे मरीज, उन मरीजों से, उनके परिजनों से, आम जनता से, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध सिर्फ इस बात से है कि डॉक्टर्स को मारना पीटना, अस्पताल के स्टाफ को मारना पीटना, अस्पताल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत गलत है। इससे आने वाले समय में धीरे धीरे करके आम मरीज को इलाज मिलना इमरजेंसी में या किसी और कंडीशन में मुश्किल हो जाएगा। ये हमारा आज विरोध दिवस है, पूरे देश में है, पूरे देश में चल रहा है। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि एक हैशटैग करके हमने ट्विटर पे भी हैंडल शुरू किया है, उसको हम अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बस मेरा आपसे यही, आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि मारपीट दुर्व्यवहार डॉक्टर्स के साथ बंद कीजिए आने वाले समय में, वरना डॉक्टर्स इलाज न करने पे मजबूर होंगे, डर के मारे इलाज ही नहीं करेंगे, मुझे पहले अपनी सुरक्षा करनी है, जब डॉक्टर ही इलाज नहीं करेगा तो आप फिर क्या करेंगे? धन्यवाद। चिकित्सकों के साथ आए दिन होने वाली हिंसक वारदातों में IMA के आह्वान पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए गए, मगर बावजूद इसके चिकित्सकों ने स्वयं के डॉक्टर होने की जिम्मेदारी भी निभाई और सभी अस्पताल व नर्सिंग होम्स पर OPD व इमरजेंसी चलती रही। लेकिन यहां डॉक्टरों ने अपना इशारा कर दिया है कि अगर डॉक्टरों के साथ होने वाली घटनाओं का सिलसिला नहीं थमा तो वे अपने हथियार डाल देंगे।
इधर इस खबर की कवरेज के लिए दिलीप कुमार के साथ प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।